लगभग 1,37,00,000 लोग 1,400 विभिन्न रोग, 5,00,000 तक निःशुल्क कैशलेस, 250 से ज़्यादा सरकारी व निजी अस्पताल में इलाज वाली अभिनव निरामयम यानी आयुष्मान भारत का आगाज। हम आपको बता दें, पूरे भारत के साथ रीवा में भी आयुष्मान भारत का आगाज किया गया। मुख्य कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नजर आए तो प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह व रीवा में उद्योग एवं खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल। इस योजना में गरीबों को 5,00,000 तक का उपचार देश में सरकारी अस्पतालों के साथ कुछ चुने हुए निजी अस्पतालों में भी मिलेगा। इस योजना में लगभग 1,400 बीमारियों को शामिल किया गया है। पात्र परिवारों को गोल्ड कार्ड दिया जाएगा, जिसके आधार पर पात्र हितग्राहियों को इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जिला चिकित्सालय में इस योजना के शुभारंभ के पूर्व जिला वैक्सीन स्टोर का उद्घाटन व भूमि पूजन किया। हम आपको बता दें, आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रारंभ की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। एक परिवार साल भर में 5,00,000 तक का इलाज कैशलेस करा सकेगा। मध्य प्रदेश में 7 करोड़, रीवा में 2,464 गाँव के 2,40,759 घरों के लोग इसका लाभ पाएंगे। इसको लागू करने के लिए दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। यह 3 पार्ट में सलाहकार परिषद, गवर्निंग परिषद, कार्यकारिणी परिषद में बंटकर कार्य करेगी। कि हमने जो सांकेतिक रूप से 6 गोल्डन कार्ड जनरेट किए हैं, उनका आपके श्री कमलों से वितरण हम यहाँ करेंगे। जी गोल्डन कार्ड कितने लोग मुंबई दिल्ली जाके भर्ती हो पाते हैं, अस्पताल में भर्ती हो पाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो इलाज के बिना अकाल मौत की गाल में चले जाते हैं? और इसलिए मैंने कहा कि भारत माता के सच्चे सपूत नरेंद्र मोदी जी ने आज इतिहास रचने का काम किया है। आयुष्मान भारत योजना से हिंदुस्तान के आधी जनसंख्या को ये सुविधा वो देने जा रहे हैं कि जिस किसी भी अस्पताल में अपने परिजन का इलाज कराने के लिए वो जाएंगे तो अस्पताल वाला उनसे पैसा नहीं मांगेगा। यदि आयुष्मान भारत का कार्ड वो दिखाएगा, उस अस्पताल में उस गरीब व्यक्ति को भर्ती करके 5,00,000 रुपए तक का भी इलाज यदि करना पड़ा तो उसका इलाज वो अस्पताल करेगा और मुफ्त में उसका इलाज वहाँ पर संभव हो सकेगा।